हेलो बच्चा लोग, तो JEE PYQ मेंस केमिकल काइनेटिक्स इस बार 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं CEF 2 का। तो इसमें पूछा है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का ग्राफ कौन सा होता है। तो भाई साहब, अपने को NCERT से लेके हर बुक में लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है हर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, हर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, केल्विन भी हो सकता है, सेल्सियस भी, एक ही बात होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो और क्या होता है, आप सोच के देखिए। शुरू में ये गया 0 से सपोज 5, तो क्या ये, या फिर ये 1 से गया 5, है ना, 5 का चेंज हुआ, तो क्या ये 1 से 2 चल जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो रहा है बट ये कम चेंज हो रहा है ना। बट सपोज ये 100 पहुंच गया है और ये 1000 पे है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें 10 डिग्री का राइज करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। अब सोचिए, इसमें 100 यूनिट का चेंजेस हुआ है जब इसमें 10 यूनिट का चेंज करते हैं। समझ में आया? तो मतलब एक टाइम के बाद टेम्परेचर छोटा सा चेंज में भी काफ़ी के बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एक टाइम के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना और के जबरदस्त बढ़ेगा। कौन सा ग्राफ जस्टिफाई करता है? यहाँ पे देखिए, इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी के लगभग सेम सा हो रहा है, पहले के यहाँ था, अब के का वैल्यू यहाँ, इतना कम चेंज। ठीक है, तो ये रॉन्ग है ये वाले में। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कर्व है ना, ये मोर और लेस इन्वर्स प्रोपोर्शन का, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो होने से रहा, क्योंकि हम लोग को पता है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन आता है, AE^-EA/RT। तो उतना साधारण सा रिलेशन तो नहीं है Y=mx टाइप का, LN लगाएंगे तब जाके थोड़ा थोड़ा सही दिखने लगता है ये। ठीक है, तो इस वाले में देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किए मान लीजिए इतना, तो दिख रहा है आपको K कितना ज़्यादा चेंज हुआ है? दिख रहा है थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज पे कितना ज़्यादा K चेंज हो गया है एक टाइम के बाद। बट इनिशियल टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कर रहे हैं फिर भी के थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? तो टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ चेंज किए, फिर भी के बेचारा यहीं से चेंज हुआ। टेम्परेचर ज़्यादा, के कम इनिशियल टाइम में, थोड़ा सा आगे जाके टेम्परेचर कम चेंज लेकिन के बहुत ज़्यादा चेंज। तो ये ग्राफ सही लग रहा है एकदम, हमारे डेटा पे भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग से भी किया जा सकता है, बाकी एग्जैक्ट बनाना तो बड़ा मुश्किल है इसको प्लॉट करना। तो ये अपना याद कर सकते हैं क्योंकि ये तो फिक्स क्वेश्चन हो गया, के वर्सेस टी। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से ज़्यादा कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एंडो एक्सो हम लोग को बता दिया गया है NCERT टेक्स्ट में भी, कि लगभग 10 डिग्री पे, हर 10 डिग्री पे के जो होता है डबल होने लगता है। क्लियर? तो लॉजिकली अपने को आंसर बेलना है और ये आंसर सी है। ठीक है, तो बताना है लॉजिक से और ये वाला अपना बता देना है कि भाई सी ही होगा। ओके, आई होप ये समझ आया लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी। तो मोस्टली हम लोग ऑलमोस्ट सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काइनेटिक्स का कवर कर लिए हैं, थोड़ा और क्वेश्चन ले आएंगे थोड़े दिनों बाद। अभी के लिए इसको स्टॉप लगा के दूसरे चैप्टर पे काम चलेगा, और जो 21 से 24 वाले क्वेश्चन है वो आगे वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी।